डियर स्टूडेंट्स, मेरा दिल भरा आपके लिए स्वागत करता हूं इस छोटे से न्यूज बुलेटिन में। अब क्या होगा, क्योंकि हम ये कोर्स ऑनलाइन कर रहे, आपसे वन टू वन संपर्क रखना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, ताकि हम दोनों एक ही गोल पे चले, ताकि हम और आप एक ही प्लान के साथ चले, इसलिए मैं कभी कभी बीच में ऐसा समाचार बुलेटिन यानी कुछ मैसेज लेके आपके बीच में आऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सचमुच बहुत ही टेरिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे स्टार्टिंग, मुझे नहीं लगा था कि आप फॉलो करोगे, क्योंकि जैसे मैंने देखा है सोशल मीडिया में कुछ भी लिखा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन अब तक मुझे खुद हैरान हो रहा है, एक भी रबिश कमेंट, रबिश मैसेज आज तक नहीं आया है। ये आपके लिए बहुत ही फख्र करने की बात है और मेरी तरफ से आपको उसका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। तो जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपका बिहेवियर का लेवल ऑफ मैच्योरिटी, प्रोफेशनलिज्म, सेंसिबल क्वेश्चंस और मैनर्स, ये मतलब ये बताते हैं कि आप अच्छे घरों से आए हो, अच्छे संस्कार आप दिखा रहे हो। ये हमारे लिए सी सिखाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सब कुछ नॉलेज आके आप अगर गलत इंसान बन गए हो तो फिर भी कुछ भी फायदा नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जब कंपनी आते हैं, बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कंपनी का मैनर्स, वैल्यूज यानी कल्चर में फिट नहीं कर पाते, इसलिए कंपनी उन्हें कहती है कल्चरल मिसफिट और उन्हें सिलेक्ट नहीं करती है। क्योंकि अभी आप 18 साल के हो, 17-18 साल के, अभी भी आपके बिहेवियर में थोड़ा चाइल्डिशनेस होगा, वो बिल्कुल ठीक है, हम भी वैसे थे, आप जैसे आप हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप ये 4 साल हमारे साथ बिताओगे या 3 साल बिताओगे या 2 साल बिताओगे, MCA BCA वाले, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नॉलेज के साथ आपका प्रोफेशनलिज्म और बिहेवियर भी चेंज हो जाए, ताकि आप जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाओ, कंपनी वालों के रिक्वायरमेंट्स आप सेटिस्फाई कर पाओ और आप आराम से कंपनी में सिलेक्ट होना है। तो कॉलेज का काम केवल नॉलेज नहीं, आपका पर्सनालिटी भी चेंजेस लाना है। आप तो सिर्फ हमें देख रहे वीडियोस में, लेकिन ये मत सोचिए कि हम अकेले चला रहे हैं। हमारा टीम है कम से कम 25-30 मेंबर्स, वो सारे मेंबर्स मुझे नोट्स दिला रहे हैं, कहीं आपका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, कहीं आपसे बात कर रहे हैं, कभी आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट की वजह से ये कोर्स अच्छा चल पा रहा है। तो उनके तरफ मेरा भी एक पार्टी थैंक यू मेरे टीम मेंबर्स के लिए। अब काफ़ी लोग ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट्स पूछिए। अगर वीडियो में कुछ आपको गलत लगा प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं करेक्शन करूँगा। कहाँ पे करेक्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन में ये लिखूँगा कि इस टाइम, इस मिनट, इस सेकेंड पे यहाँ कुछ मैंने गलत बताया है, सही आंसर क्या है या सही कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे कम ही होना चाहिए, फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में आप इतना वापस नहीं जा सकते, एडिटिंग इतना इजी नहीं कर पाते आप। दूसरी चीज, जब अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो, पहले उसे गूगल में सर्च करने की कोशिश कीजिए। मैं बताता हूँ क्यों, मैं मेरी जवाबदारी से नहीं हट रहा हूँ। देखो, अगर मैंने फिश पकड़ के आपको दे दिया एक दिन, आप एक दिन ही आप पेट भर पाओगे। अगर मैंने आपको फिश पकड़ना सिखा दिया, आप जिंदगी भर आपका पेट भर जाएगा। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे इंटरनेट स्मार्टली ढूंढें, ताकि आपको नॉलेज, यूजफुल नॉलेज उससे डिस्कवर करें। अगर आपको नहीं मिलता, तब जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं जवाब के साथ कहीं कहीं बार लिंक भी भेज देता हूँ, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थोड़े स्टूडेंट्स हैं, शायद ऑलमोस्ट सर्टनली ये ग्राफिकिरा फैमिली के नहीं है, तो थोड़े बच्चों ने मुझे क्वेश्चन लिखा था, मैंने पब्लिश नहीं किया, अच्छा नहीं लगता। सर, क्या हम आपके क्लासेस देख सकते हैं? देखिए, यूट्यूब में तो कोई रोक नहीं सकता किसी को, लेकिन इनका संस्कार इतना अच्छा है कि उन्होंने एटलीस्ट मैनर्स दिखाया है कि ये दूसरी यूनिवर्सिटी का चल रही है, फिर भी हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल 100% पार्टिसिपेट कीजिए। आपको किसी फाइनेंशियल रीज़न या कोई कारण
कोविड कारण आप शायद ग्राफिक एरिया ना आ पाए इस सेमेस्टर, शायद अगले सेमेस्टर, उसके अगले सेमेस्टर में आप कहीं से भी ट्रांसफर आ सकते हैं हमारे साथ। तब तक के लिए फील फ्री, मोर देन वेलकम। आप हमारा चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो वॉच कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर आपका कोई जवाब क्वेश्चन भी है तो प्लीज़ डालिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा, जैसे हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में मैंने डायग्राम, एक संस्था है जिसका नाम है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स क्या करती है? डायग्राम्स कंटेंट विदाउट कॉपीराइट अवेलेबल करती है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत कम आ जाता है। वॉलंटियर जैसे हम हैं, हम मैं भी अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ वो रिलीज़ करूँगा क्रिएटिव कॉमन्स के लिए, ताकि नॉलेज हर जगह बढ़े, ताकि रिस्ट्रिक्टेड ना रहे। तो क्रिएटिव कॉमन्स क्या करता है, जो कंटेंट होता है जैसे डायग्राम वगैरह पब्लिक डोमेन में रिलीज़ करता है, और उनका मेन फर्ज है कि नॉलेज डेवलपिंग कंट्रीज़ को एट लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल प्रोवाइड करे। तो इन लोगों के लिए या इस ग्रुप के लिए मेरा हम्बल ग्रैटिट्यूड है। मैं इनसे बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि अगर देखोगे आप, जब मैं अगले एक दो सेशन में आपको हार्ड डिस्क वगैरह बताऊँगा, इतना बढ़िया डायग्राम विदाउट कॉपीराइट्स मिल रहे, केवल हमें नीचे लिखना है कि हमने इनसे लिया है, ऑथर कौन है, उसका लिंक क्या है, बाकी कुछ भी नहीं, हमें कुछ कॉस्ट नहीं देना है। तो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है, एजुकेशन जितना हो सके उतना लो कॉस्ट होना है। फ्री सही बात नहीं है, क्योंकि फ्री से मिसयूज होती है, लेकिन जितना लो कॉस्ट पॉसिबल हो उतना एजुकेशन होना सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा और देश की तरक्की के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़े बहुत मेरे वीडियोस में ए सिंबल देखोगे, ठीक है, ए सिंबल, और ए उनका साइट है, इसका मतलब मैंने उनसे कंटेंट्स कुछ वहां से लिया है, और उसे एक्नॉलेज करने के लिए मैं ये वीडियो में कहीं उसे पिक कट एंड पेस्ट करूंगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन या उस डायग्राम में ऑथर का नाम, लिंक वगैरह सब मेंशन करूंगा। तो इनका जो मोटिव है या मोटिवेशन है, ये कहते हैं कि व्हेन वी शेयर एवरीवन विंस। कितना अच्छा बात है, जब हम सब अपना नॉलेज बांटते हैं तभी हम तरक्की कर पाते हैं, और ख़ास करके लो कॉस्ट पे, ताकि जिसके पास फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक भी ना हो वो भी उसे बेनिफिट ले पाते हैं। तो एक या दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि लेक्चर जनरली 6-8 मिनट के बीच में होंगे, लेकिन थोड़े बहुत लेक्चरों को मैंने एक्सटेंड करना पड़ा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, रॉम वगैरह, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे लगता है ऐसे अगर वीडियोस आएंगे अगले बार, तो मैं उसे पार्ट वन और पार्ट टू बनाऊंगा, क्योंकि रिसर्च ये प्रूव करती है कि जनरली मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग होती है जब वीडियोस 6-10 मिनट लेंथ के बीच में हो। अगर वीडियोस बहुत ही छोटा हो या बहुत ही लंबा हो, छोटा हो तो थोड़ा ही देख के डाइवर्ट हो जाता है अटेंशन, अगर बहुत ही लंबा हो तो मन भटक जाता है। तो हम वो कोशिश करेंगे कि इसको बैलेंस करके आपको वीडियोस डिलीवर करें। फाइनली और एक बार मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ कि आपने ग्राफिक एरा चुना, हमसे पढ़ने का हमें सौभाग्य दिया कि हम आपको सिखा पाए, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कमेंट लिखते हो, पॉजिटिव कमेंट्स, हमें मोटिवेशन या ऊर्जा मिलती है कि इससे अच्छा करें, ठीक है। तो जैसे मैं मोटिवेट होता हूँ, आप भी प्लीज़ मोटिवेट होकर काम कीजिए, क्योंकि आप अपना सपना, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कीजिए, और हम आपके साथ कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। इसके साथ धन्यवाद, और अगला वीडियो में आपको मिलेंगे हम।